सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर अमेरिका का हवाई हमला। हमले के बाद एक साथ दो दो ठिकाने खाक में मिल गए। इसराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के इस हमले से ईरान और अमेरिका में ठन गई है। युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। दक्षिण चीन सागर में चीन का लड़ाकू विमान अचानक अमेरिका के विशाल बॉम्बर के सामने आ गया। दोनों के बीच का फासला सिर्फ 10 फीट रह गया था। फिर क्या हुआ? क्या अमेरिका के बॉम्बर से भिड़ गया चीन का लड़ाकू विमान, या दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ? इसे आगे तफसील से बताएंगे और इस भिड़ंत का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि ऐसा कर चीन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो अमेरिका से लड़ने को तैयार बैठा है। सवाल है, क्या अगर अमेरिका इसराइल के साथ जंग में कूदा तो चीन भी युद्ध में अमेरिका के खिलाफ कूद पड़ेगा? क्योंकि चीन की सेना का दावा है कि बस एक ऑर्डर आएगा और चीन के लड़ाकू विमान ऐसे ही अमेरिका के विमानों से टकराने निकल पड़ेंगे। हमास का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को ईरान के विदेश मंत्री के साथ रूस पहुंचा। हमास का प्रतिनिधिमंडल ऐसे समय में मॉस्को का दौरा कर रहा है जब इसराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह करने में लगा है। हमास की तरफ से रूस में हुई इस मीटिंग की तस्वीरें जारी की गई हैं। आगे पढ़ें। इससे पहले इस तस्वीर में दिख रहे लोगों को जान लीजिए। बाएं से पहले हैं बस्सेम नईम, हमास के इंटरनेशनल रिलेशन हेड है। दूसरे हैं मिखाइल बोगदानो, ये रूस के उप विदेश मंत्री हैं, मिडिल ईस्ट में पुतिन के विशेष दूत हैं। तीसरे शख्स का नाम है मौसा अबू मरजोक, ये हमास पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य हैं। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि ये नया गठबंधन अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है। रूस, ईरान और हमास अगर एक साथ मिलकर अमेरिका के ठिकानों पर हमला करते हैं तो अमेरिका के पलटवार से विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने ठिकानों पर हो रहे हमलों का बदला अमेरिका कैसे लेता है, इसकी एक झलक अमेरिका के इन हवाई हमलों में मिलती है। अमेरिका का पहला हवाई हमला, अमेरिका का दूसरा हवाई हमला, अमेरिका का तीसरा हवाई हमला। अमेरिका ने ऐसे लिया है अपने सैनिकों पर हमले का बदला। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में ईरान समर्थित दो मिलिशिया ठिकानों पर बमबारी कर युद्ध का एक नया मोर्चा खोल दिया है। इसराइल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद एक बार अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। इसी महीने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए। इन हमलों में अमेरिका के 24 सैनिक जख्मी हो गए, एक की जान चली गई। इसके बाद अमेरिका ने ऐसा पलटवार शुरू किया है जिसमें दुनिया को विश्व युद्ध के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सीरिया और इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमला करके अमेरिका ने ईरान को बहुत ही बड़ा संदेश दिया है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका संघर्ष नहीं चाहता है और आगे की शत्रुता में शामिल होने का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन अमेरिका की सेना के खिलाफ ये ईरानी समर्थित हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए। ईरान अपना हाथ छिपाना चाहता है और हमारी सेनाओं के खिलाफ इन हमले में अपनी भूमिका से इनकार करना चाहता है। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अगर अमेरिकी सेना के खिलाफ हमले जारी रहे तो हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए और जरूरी कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने इस हमले को अपने दो F-16 लड़ाकू विमानों से अंजाम दिया है। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने उन्हीं ठिकानों पर बारूद बरसाए हैं जिनका इस्तेमाल हाल में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के लिए किया गया।
अमेरिका की तरफ से यह हवाई हमला इराक की सीमा पर सीरिया के शहर अबू कमाल के पास किया गया। अमेरिका का दावा है कि यहां ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने हथियारों और गोला बारूद का डिपो बना रखा है। इसके काफी नजदीक अमेरिका का एक अहम ठिकाना भी मौजूद है, जिसे हाल में कई हमलों में निशाना बनाया गया है। इसराइल हमास युद्ध के फैसले के बाद मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना पर हमलों की वारदात बढ़ गई है। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ऐसे ही हवाई हमले पर उतर गया तो पूरा खाड़ी धधक उठेगा। सीरिया में हमले के बाद दक्षिणी लेबनान का नंबर आ सकता है। दक्षिणी लेबनान के साथ साथ इराक और यमन में भी अमेरिका पलटवार कर सकता है। हाल में अमेरिकी बेस पर कम से कम 12 हमले किए गए। इन हमलों में 21 अमेरिकी नागरिक घायल हुए। इराक में अमेरिका के बेस अल असद और सीरिया में अल तनफ गैरिसन में ईरान से जुड़े संगठनों ने यह हमला किया था। अमेरिका का कहना है कि आज किया गया हमला उसी का जवाब है। पेंटागन के मुताबिक इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिका के बेस पर दर्जनों हमले किए गए हैं। मिसाल के तौर पर 17 अक्टूबर को इराक में अमेरिका के बेस अल असद पर हमला हुआ। 17 अक्टूबर को इराक में ही अमेरिका के अल हरीर एयरबेस पर हमला हुआ। 18 अक्टूबर को सीरिया में अल तनफ गैरिसन में ईरान से जुड़े संगठनों ने हमला किया था। 24 अक्टूबर को सीरिया में अल उमर ऑयल फील्ड बेस पर हमला हुआ। वहीं इराक में एरबिल एयरफोर्स पर ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। इन्हीं हमलों के जवाब में अब अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों को हमले के लिए उतार दिया है। हमले का असर ईरान की बौखलाहट में साफ साफ नजर आया। वहीं तनाव का तीसरा एपिसेंटर दक्षिण चीन सागर बना, जहां अमेरिका और चीन के लड़ाकू विमान भिड़ते भिड़ते बचे। अमेरिका का दावा है कि चीन का विमान J-11 अमेरिकी विमान से टकराते टकराते बचा। इस भिड़ंत के वीडियो को जारी कर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से चीनी विमान पीछे से आकर अमेरिका के B-52 के करीब पहुंच जाता है। चीन का लड़ाकू जेट B-52 बम वर्षक विमान के 10 फीट से भी ज्यादा करीब आ गया था। चीन के लड़ाकू पायलट की ऐसी हरकतों की वजह से दोनों ही जहाज के आपस में टकराने की आशंका बढ़ गई थी। इस करीबी मुठभेड़ को पेंटागन ने आक्रामक करार दिया है। एक तरफ चीन से अमेरिका के भिड़न, दूसरी ओर अमेरिका का सीरिया में ईरान समर्थित बेस पर हमला, साथ ही साथ हमास के प्रतिनिधिमंडल का रूस पहुंचना और इसराइल हमास के बीच युद्ध का और बारूदी होना। संकेत साफ है, अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और ईरान की घेरेबंदी और बढ़ती जा रही है, जिसका असर इसराइल हमास युद्ध में साफ साफ दिख रहा है।